प्रश्न पहला, अवध के संस्थापक कौन है? उत्तर सुहादत खां। प्रश्न स्टार्ट पहला, शौंकला महल के चित्रों का संबंध किस शैली से है? उत्तर मारवाड़ शैली। प्रश्न दूसरा, अकबर की मुख्य टकसाल का अधिकारी कौन था? उत्तर अब्दुल समद। जो सम्राट अकबर था उसकी मुख्य टकसाल का राजस्थान की दो किस्में 172 महाराणा और 285 चेतक किस फसल से संबंधित है? उत्तर है अफीम। प्रश्न चौथा, राजस्थान में पावड़ा परियोजना किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? उत्तर है चित्तौड़गढ़ अलवर। एक महत्वपूर्ण परियोजना है। पांचवा, कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि पूर्ण होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न है छठा, पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा क्या है? उत्तर है भ्रमणशील पक्षी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। प्रश्न सातवां, बरसात योजना कब शुरू की गई? उत्तर है 9 मार्च 2015 को। प्रश्न आठवां, राजस्थान में कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? उत्तर है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। प्रश्न है नौवां, वांकल और हाथमती नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका उत्तर है साबरमती नदी। इसकी कई नदियाँ सहायक है परंतु प्रमुख यही है। प्रश्न दसवां, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ, जो सर्दी ऋतु में मावट के रूप में वर्षा होती है। प्रश्न ग्यारहवां, राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? उत्तर है झालावाड़, जहाँ नमी ज्यादा रहती है। प्रश्न बारहवां, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। प्रश्न तेरहवां, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? उत्तर है श्रीमती कुशाल सिंह। प्रश्न चौदहवां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है एस के घोष, जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न पंद्रहवां, राज्य में आखिरी बार राष्ट्रीय शासन के समय राज्यपाल कौन थे? उत्तर है रघुकुल तिलक। प्रश्न सोलहवां, राजस्थान में कुल उपखंडों की संख्या कितनी है? उत्तर है 289, 289। प्रश्न सत्रहवां, गुरिल्ला पद्धति के जनक किसे माना जाता है? उत्तर है अहमदनगर के मलिक अंबर को। प्रश्न अठारहवां, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? उत्तर है फारसी। प्रश्न उन्नीसवां, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को कब शिक्षा का माध्यम बनाया? उत्तर है 1835। प्रश्न बीसवां, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? उत्तर है गुरु तेग बहादुर, जब मुगलों का पतन 1707 हुआ था। अगला
पहला वीडियो सोमवार को अपलोड किया जाएगा। इसे सब्सक्राइब नाम पर क्लिक करें, इससे आपको वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पैसे में काम आएगा। धन्यवाद।